देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग उत्तराखंड की राजनीति की बात करें और उसमें रवि हरीश रावत की बात ना करें तो मुझे लगता है ये संभव भी नहीं है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, इनके जो द्वारा जो ट्वीट किए गए थे उस पर भी आपने देखा है कि कांग्रेस में काफी बवाल भी मचा हुआ था। या इससे पहले आपने देखा था कि पंजाब में जो कांग्रेस की के बीच कलह थी, नवजोत सिद्धू और आपने देखा होगा कैप्टन के बीच, उनके बीच सुलह करवाने का जिम्मा एक तरह से हरीश रावत को था, लेकिन वहां वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि पंजाब के प्रभारी थे हरीश रावत। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हरीश रावत के बारे में। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे दूंगा और इससे क्या होगा कि अगर आपकी हरीश रावत के बारे में जानने की दिलचस्पी है तो वो पूरी हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव भी है आपके, तो इसलिए भी आप लोग हरीश रावत का नाम काफी सुनेंगे। एक बार आप लोग उत्तराखंड को देख लीजिए। पहले देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो उत्तराखंड आपको ये देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, इसकी राजधानी देहरादून है। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। और यहां अगर आप लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 सीटें देखने को मिलेगी। और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका नाम भी मतदाता सूची में जुड़ चुका होगा और आप भी वोट डालने के लिए जाते होंगे। राज्यसभा में बात करें तो आपको देखने को मिलेगी 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। राज्यसभा में 3 सीटें हैं और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें आपके एमएलए चुनते हैं, जो विधायक होते हैं ना, उन्हीं उन वही उनका राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आपको 5 सीटें देखने को मिलेगी। और लोकसभा का भी जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव भी आपकी डायरेक्ट जनता ही चुनती है, आप ही लोग चुनते हैं, ठीक है। और इससे लगे हुए अगर राज्यों की बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और यहाँ आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई भी दे रहे हैं हरीश रावत, दिखाई दे रहे हैं, ये है हरीश रावत। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो हरीश चंद्र सिंह रावत इनका नाम है पूरा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रसिद्ध किस नाम से हैं, हरीश रावत केवल। और याद रखिए, रावत एक कुमाऊनी राजपूत परिवार है। ये जो रावत होते हैं ना, ये राजपूत परिवार होते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि जातिवाद को बढ़ावा दे रहा हूं मैं, तो मेरे भारत का एक तरह से आप सोचिए कि भारत का ये दुर्भाग्य कहिए कि हमारे देश में जब भी किसी व्यक्ति के बारे में बात होती है तो उसकी जाति पहले देखी जाती है, उसका धर्म पहले देखा जाता है। तो मेरा भी मानना है कि देखिए, अब किसी नेता के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो इनके बारे में जाति बता देनी चाहिए, उनकी धर्म बता देना चाहिए। इनका जन्म होता है 27 अप्रैल 1948 को, और आप सभी जानते हैं कि आजाद आप लोग 1947 में होते हैं, उसके एक साल बाद हरीश रावत का जन्म होता है। जन्म स्थान की बात करें तो ग्राम मोहनारी चौनलिया जिला अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस समय जो आपका उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब अल्मोड़ा को आप लोग उत्तराखंड में देखेंगे, ठीक है। और इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो राजेंद्र सिंह रावत इनके पिता, और माता की बात करें तो देवकी देवी इनकी माता का नाम था, और पत्नी की बात करें तो रेणुका रावत इनकी पत्नी का नाम है, और बच्चे की बात करें तो 3 बच्चे हैं, जिसमें एक इनका बेटा है आनंद सिंह रावत, और बेटी का नाम है अनुपमा रावत, दूसरी बेटी का नाम है आरती रावत। 3 बच्चे हैं, ठीक है। अगर हम लोग हरीश रावत की शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा ये उत्तराखंड से लेते हैं और आगे की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से BA करते हैं, उसके बाद LLB करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं। अगर हम लोग इनके शौक की बात करें, अभी रुचि की बात करें, हॉबी की बात करें, तो फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, कबड्डी खेलना, यात्राएं करना, किताबें पढ़ना हरीश रावत का शौक है। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी को बता दूं कि एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं, और आप सभी जानते हैं कि राजनेता भी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अच्छे नेता भी हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गांधी परिवार के काफी करीबी भी माने जाते हैं। अब बात आती है इनके राजनीतिक सफर की, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग आज हरीश रावत के
बारे में जानने की एक तरह से दिलचस्पी रख रहे हैं तो उनके राजनीतिक सफर के कारण ही। अगर राजनीति में उनकी एंट्री ना होती तो आज हम लोग उनके बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। तो हरीश रावत छात्र जीवन से ही भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ गए थे और साल 1973 में हरीश रावत को कांग्रेस की जिला युवा इकाई का अध्यक्ष भी चुना गया था और वह उस समय सबसे युवा अध्यक्ष थे। और इसके बाद हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन में ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष समेत कई भूमिकाएं भी निभाई हुई थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं। फिर आप देखेंगे साल 1980 में कांग्रेस ने हरीश रावत को अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव में उतारा और वह चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद भी बने। 1980 में पहली बार लोकसभा सांसद बनते हैं, लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 1984 हो या फिर 1989 हो, इसमें भी हरीश रावत इस सीट से सांसद बनते हैं यानी कि लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। हालांकि इसके बाद आप देखिए साल 1991 हो, 1996 हो, 1999 हो, इसमें हरीश रावत इस सीट से हार का सामना करना पड़ता है। शुरुआत तीन चुनाव लोकसभा सदस्य के वो जीतते हैं, अगले तीन चुनाव लोकसभा सदस्य के वो हार जाते हैं। आप देखेंगे तो साल 1992 में हरीश रावत को सेवा दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि साल 2001 में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। और हरीश रावत के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने साल 2002 में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की हुई थी। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड के गठन होने के बाद ये उत्तराखंड में पहला चुनाव था और इसमें कांग्रेस की सरकार बनती है। हालांकि वो कांग्रेस ने उनकी जगह एनडी तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए और हरीश रावत को साल 2002 में ही राज्यसभा भेज दिया गया। और राज्यसभा आपको बता चुका हूँ कि राज्यसभा में अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए कम से कम और आपको विधायक चुनेंगे, ठीक है, राज्यसभा सदस्य को विधायक चुनते हैं। फिर आप देखेंगे साल 2009 में हरीश रावत ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर एक बार फिर से लोकसभा सांसद बनते हैं। और इसके साथ ही हरीश रावत को मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया जाता है और मनमोहन सिंह की सरकार में हरीश रावत जल संसाधन मंत्री का पद संभालते हैं। साल 2012 में जब एक बार फिर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरीश रावत की मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने विजय बहुगुणा के को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी हुई थी। और कई बार ऐसा होता भी है, आप सभी जानते हैं हमारे देश की राजनीति में कि नाम मुख्यमंत्री का किसी और का चल रहा होता है और कोई और मुख्यमंत्री बन जाता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा हो भी होगा इसका उदाहरण, योगी आदित्यनाथ तो और केशव मौर्य के बीच यही सोचा जा रहा था कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके, तो ये भी देखा जाता है। फिर आप देखेंगे 2 फरवरी 2014 को विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हरीश रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है और हरीश रावत करीब 3 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। और कांग्रेस ने साल 2017 में उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव हरीश रावत के चेहरे पर ही लड़ा था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उनकी हार मिली और भाजपा ने बहुमत हासिल किया हुआ था। और आपने ये भी सुना होगा कि जो हरीश रावत साहब हैं इन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था विधानसभा का, लेकिन दोनों ही सीटों पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि उनके अपने ही लोगों ने उन्हें हराने का काम किया हुआ था हरीश रावत को। अब आप देखिए दोबारा 2022 में चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, अब क्या होता है और किस तरह से होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी यही माना जा रहा है कि हरीश रावत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात हो रही है। और रिजल्ट किस हिसाब से रहते हैं किस हिसाब से नहीं रहते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पहले भी बता चुका हूँ। और कांग्रेस में यही तो है, आप भी अभी भी मध्य प्रदेश से ले जाइए आप लोग, दिग्विजय सिंह को अभी भी लिए हुए हैं वो, तो मेरा ऐसा मानना है, देखिए अब कोई कांग्रेस का माने या ना माने, कि नए शहरों को अगर कांग्रेस जगह देती है तो कांग्रेस को वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि और शक्ति मिलेगी। क्योंकि आप देखिए अशोक गहलोत को देख लीजिए या कैप्टन साहब को देख लीजिए, कांग्रेस में जितने भी बूढ़े चेहरे हैं यानी कि जिनकी उम्र ढल चुकी है वो हमेशा गद्दी से चिपके रहना चाहते हैं, वो पद के एक तरह से आप कहिए कि पद पर बने रहना चाहते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि युवा चेहरे कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में भी शामिल हो रहे हैं।
कांग्रेस में उन्हें अपना भविष्य दिखाई ही नहीं देता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए आप लोग, कई इस तरह के बड़े बड़े युवा चेहरे कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं दूसरी पार्टियों में। तो यही सुधार करने की मुझे लगता है कि एक तरह से कांग्रेस को जरूरत भी है। अब क्या करती है क्या नहीं करती है ये तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन आपको एक बात बता दो कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष अहंकारी निरंकुशता बरतने लगता है, समझ रहे हैं, तानाशाही की ओर बढ़ने लगता है, और इसीलिए विपक्ष जरूरी होता है। चलिए हम लोग तो मिलते रहेंगे, किसी और के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा, उसके बारे में भी बात करते रहेंगे।